कालका सीट से विधायक लतिका शर्मा के खिलाफ महिलाएं एकजुट हो गई हैं। उन्होंने लतिका शर्मा पर हल्के में विकास नहीं करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधायक ने मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं किया। उनका कहना है कि विधायक मिलते नहीं, अफसर सुनते नहीं। अगर सड़कों पर कार्य हो रहा हो और विकास की गति तेज पकड़ लीजिए तो ये समझ जाइए कि चुनाव आ गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जिस राज्य में चुनाव होते हैं दरअसल वहां पर विकास की गति कुछ इस तरह पकड़ती है। एक नमूना हम आपको ये भी दिखाते हैं। देखिए, विकास के काम की गति को इस तरह दिया जा रहा है कि ये पीने के लिए पाइपलाइन है और यहाँ के लोग, गली मोहल्ले के लोग बहुत दिन से परेशान थे और पिछले 4-5 सालों से बार बार कह रहे थे कि उनकी पानी पीने की समस्या को हल किया जाए। तो अब जब चुनाव आ गए हैं तो राजनेताओं को लगता है कि हल की जानी चाहिए, तो उन्होंने विकास के नाम पे एक गड्ढा खोद दिया और यहाँ की महिलाएं जो कुछ कहना चाहती हैं शायद आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई दर्द कैसा होता है। दर्द में अगर बयां करें तो ये लोग इतने परेशान हैं, इनको लगता है कि बीते 5 सालों में अगर विकास की धारा बही है तो शायद वो उन्हीं खड्डों में विकास की धारा बही होगी, क्योंकि उस विकास की धारा से पानी निकल के लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाया। क्या सच में पानी नहीं मिल पाया आपको या विकास आपको यही दिख रहा है? हफ्ते में 2 दिन पानी आता है और 10 मिनट पानी आता है। हर हफ्ते में 2 टैंक हम डलवाते हैं पूरी कॉलोनी वाले। और अब जब से ये इलेक्शन की डेट बनी है तब से ये कभी इधर खोद रहे हैं कभी उधर खोद रहे हैं, और अब इलेक्शन हो जाएंगे कोई नहीं पूछेगा। मेरा आपको भी यही लगता है यही समस्या है, पीने की पानी की सबसे बड़ी समस्या है? हाँ जी पानी की समस्या है हमारे को। कितने दिन पानी आता है और कितने घंटे, अगर बात करें तो कितने घंटे तक पानी आता है? 10 मिनट पानी आता है और हफ्ते के 2 बार पानी आता है। फिर तो मुझे लगता है आप चाय भी नहीं पीती होंगी। चाय कहाँ पीनी, टेंशन पानी की होती है। पानी दरअसल एक आदमी की, एक परिवार की, एक महिला की जीवन रेखा होती है। पानी के सहारे ही घर चलता है, पानी के सहारे रसोई चलती है, पानी के सहारे जीवन चलता है। लेकिन जब पानी चुनावी मुद्दा हो तो वाकई नेताओं को सोचना चाहिए कि खाली गड्ढे खोदने से काम नहीं चलेगा और जरूरत है कि आप पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएं। आपके दावों को हकीकत में परिवर्तित करने के लिए खड्डे काम नहीं आएंगे। जरूरत है कि आप पहुंचे, क्योंकि ये वोटर हैं आपके, इन्होंने ही आपको वोट दी। और अगर आपको लगता है कि पोलिंग टाइम पर आप खड्डा खुदवा देंगे तो आपकी वोट डाइवर्जन हो जाएगी, शायद ऐसा ना हो। महिलाएं जहां खुद की वोट डालती हैं वहीं परिवार की वोट भी ट्रांसफर कराती हैं, तो ये विधायक को जरूर सोचना चाहिए कि इनकी समस्या पे गौर करें ताकि आने वाले समय में इनको किसी प्रकार से दो चार ना होना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट सियाराम के साथ कुमार रमेश, R9 TV, कालका।